स्टेट बोर्ड में भी आजकल संस्कृत नहीं चलता, हर एक स्टेट में नहीं है। तो सर आयुर्वेद तो संस्कृत में ही पढ़ते हैं, संस्कृत में ही सब कुछ है, तो क्या सर बिना संस्कृत जाने वो BMS कर पाएंगे, अच्छा वैद्य बन पाएंगे, डॉक्टर बन सकते हैं क्या, इसके बारे में सर कुछ बताइए। ये बहुत ही एक ऐसा प्रश्न है जो पहले भी मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा, सर मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाता हूँ या नहीं लिख पाता हूँ, तो क्या मैं एक अच्छा चिकित्सक बन सकता हूँ क्या, ये एक अच्छा वैद्य बन सकता हूँ क्या। एक अच्छे वैद्य बनने के लिए आपको शास्त्र तो पढ़ना पड़ेगा जी। अब शास्त्र पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकते हैं सबके ओपिनियन, मेरा पर्सनल राय है कि संस्कृत पढ़ना, संस्कृत समझना और संस्कृत याद करना तीनों अलग चीज है जी सर। पहली बात तो ये हमें समझना पड़ेगा, पढ़ना समझना और याद करना। अगर आप किसी चीज को समझ ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको उसको रटने की जरूरत है या याद करने की जरूरत है। अगर आप किसी भी माध्यम से उस श्लोक का अर्थ समझ जा रहे हो जो आपके शास्त्र में लिखा है, अल्टीमेटली एम है क्या हमारा समझना, शास्त्र में जो श्लोक दिए हैं उसके गुण अर्थों को समझे जी। उसके गुण अर्थों को समझने के लिए बहुत से उपाय हैं हमारे पास, हमारे पास ऑनलाइन इंटरनेट अवेलेबल है, ऑनलाइन हम, आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ याद करने पे जोर नहीं दे रहा हूं, मैं समझने पे जोर दे रहा हूं। कभी कभी एक चिकित्सक के लिए याद करना उस समय भी जरूरी हो जाता है जब हम पर्टिकुलर किसी फॉर्मुलेशन के घटक द्रव्य के बारे में याद करें, क्योंकि घटक क्योंकि हमारी बेसिकली जो औषधियां हैं मल्टीपल औषधियां, उसमें मल्टीपल फॉर्मुलेशन है, मल्टीपल हर्बल मेडिसिन है, तो कई बार उसमें से कुछ एकाद घटक द्रव्य किसी मरीज के लिए ठीक होता है, किसी के लिए नहीं होता है, तो याद करना है। लेकिन मेरा मानना है कि आप समझने का जरूर प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं कि संस्कृत वर्ड संस्कृत श्लोक आ गया तो हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम कई बार भटक जाते हैं, उसको स्किप कर जाते हैं, तो आप स्किप मत कीजिए, मेरा ये सलाह है समझने का प्रयास कीजिए किसी भी रूप में, चाहे हिंदी में समझने का प्रयास कीजिए या दूसरे लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन किसी भी चीज को बिना समझे आप अगले पृष्ठ में या अगले पन्ने पे मत बढ़िए। कई बार हमारे पास ऐसे श्लोक आते हैं बहुत कठिन है, आप अपने शिक्षक की सहायता लीजिए, सीनियर की सहायता, लास्ट में कहूंगा असंभव कुछ भी नहीं है जी सर। लैंग्वेज असंभव किसी के लिए नहीं होता, असंभव होते हैं तो हमारी मानसिकता असंभव को बनाती है, तो इसलिए याद भले ना कर पाए, रट भले मत कर पाए, लेकिन समझने का जरूर है अर्थ को, श्लोक को कोशिश कीजिए, क्योंकि वो हमारा एक मूल आधार है, मूल स्तंभ है आयुर्वेद का। थैंक यू सर। ये रहा संस्कृत के बारे में, ऐसा जिनका भी डाउट है कि हम संस्कृत से नहीं पढ़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम है, नहीं आता, तो हम आयुर्वेद में कैसे जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप आयुर्वेद में एडमिशन लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में संस्कृत एक सब्जेक्ट है जहाँ पे जीरो लेवल से सिखाया जाता है, ठीक है। मैं कई सारे वीडियोज़ में आपको बताया हूँ कि संस्कृत बैरियर नहीं है, लैंग्वेज किसी भी चीज़ के लिए बैरियर नहीं हो सकता है, अगर हम चाहें तो उस चीज़ को कर सकते हैं। हमें सबसे पहले है कि हमें उसको करने के बारे में सोचना होगा, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, हाँ मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, तब वो होगा। हम पहले से ये डिसाइड कर लें कि संस्कृत हमसे होगा ही नहीं, हमने किया ही नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। सर अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए क्या है कि आयुर्वेद में सर सर्जरी के बारे में एक बहुत अभी रिसेंटली अलाउड हुआ था कि आयुर्वेद को सर्जरी अलाउड हो गया, तो इस पर बहुत कुछ हुआ भी था, आप सभी को भी पता होगा। लेकिन सर NIA जयपुर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जिसमें हम अभी BMS प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, BHU है सर, ITRA जामनगर है, जो अच्छे मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, वहाँ पर सर्जरी ऑलरेडी होती हैं। तो सर अभी सर्जरी अलाउड होने का क्या मतलब है, उससे क्या हमें क्या समझ में समझना चाहिए? डॉक्टर अनुराग, एक हमारी काउंसिल है जिसको हम नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जो पहले CCIM के नाम से जाना जाता था जी। PG में यानी MD के एक रेगुलेशन आई ईयर 2020 में, 2020 में, उसमें बेसिकली कुछ डिसीज को कुछ प्रोसेस देके PG शल्य यानी सर्जरी और PG शालक्य यानी ENT में जी। बताया गया कि ये प्रोसीजर आप कर सकते हैं। तो पहले आप जिन संस्थानों का नाम लेते हैं वो संस्थान एक अपितु ना भारत देश में लेकिन विश्व में भी प्रख्यात संस्थान रही आयुर्वेद क्षेत्र में चिकित्सा एवं शिक्षा के लिए, सबसे बड़ी बात यह है। तो जब चिकित्सा और शिक्षा की बात रही तो उनकी ट्रेनिंग भी वैसी हुई थी वहां, और जब ट्रेनिंग उनकी UG लेवल से इस तरीके से होती है तो बच्चे जब MD में आते हैं सर्जरी में शलाकिया में वो सारे टाइप के प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, तो ये बात है। इसलिए उन संस्थानों में विशेष रूप से सर्जरी होते हुए आई है,
कई तरीके से सर्जरी होती है भाई। मैंने खुद देखा है कि क्योंकि मेरी जो पीजी की जो मेरी जो खुद पीजी की चिकित्सा थी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हुई है। मैंने देखा है कि किस तरीके से वहाँ के बच्चे सर्जरी किया करते थे। ऐसी मैंने जामनगर में भी देखा और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में देखा। लेकिन इस रेगुलेशन से आने से काउंसिल का, भारत सरकार का, इसलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। इस रेगुलेशन के आने से हमें एक मजबूत आधार मिला कि हम कौन कौन से प्रोसीजर कर सकते हैं जो पहले नहीं थे। पहले कई बार हम किया करते थे, चोरी के करते थे या छुप के किया करते थे, ऐसी भी कई जगह हमें मिलती है कहानी। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, पीजी शल्य वाले को तकरीबन 39 प्रोसीजर्स की परमिशन दी गई है। जी सर, पीजी जो शल्य किया है उसमें ड्रेनेज ऑफ एब्सेस है, फिशियोटॉमी भी है, हर्निया का ऑपरेशन भी है, मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स भी है। इस तरीके से दी गई है परमिशन करने की बकायदा। इसी तरीके से जो पीजी सालाक्य है, मतलब जिन्होंने एमडी सालाक्य में किया, यानी जो ईएनटी वाले हैं, डेंटल डिसऑर्डर्स में किया है या थ्रोट इन्फेक्शंस वाले जो हैं उसमें, उनको भी ऐसी अलग अलग प्रोसीजर दी गई हैं आपके शास्त्र के अनुसार। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है उसमें जानने के लिए जो मुझे लगता है, अगर आप पीजी कर रहे हैं, पीजी के दौरान अगर आपको इन सब प्रोसीजर की ट्रेनिंग मिली है और आपने हैंड टू हैंड ट्रेनिंग की है, इस रेगुलेशन में लिखा है, तभी आप ये परफॉर्म करिए आपका एमडी। तो हमें समझना होगा, ये निश्चित रूप से मेरा संदेश सभी उन कॉलेजों के लिए भी है जो पीजी चल रहे या फिर सलाखिया पे दे रही है, कि आप हैंड टू हैंड ट्रेनिंग दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्टअप आएगा। उसके बाद तो सरकार है देखने के लिए, आपको सर्जरी करने का बिल्कुल परमिशन है। आप पीजी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर दी गई, उन 39 प्रोसीजर के अंतर्गत आप वो प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू सर।